हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ओके, आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है और हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देता है, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। चलिए देखते हैं कि आखिर वे आपसे चाहते क्या हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, विच इज नॉट अ बैड कार्ड। ओके, द चैरियट एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स, मून। इंटरेस्टिंग। व्यूअर्स, आखिर वे आपसे चाहते क्या हैं। पहली चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आती है वो ये है, दैट योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। वो भी पेन में है, वो भी हार्ट ब्रोकन है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है जैसे आप लोग विक्टिम बन गए हैं। मैं आप दोनों की ही बात कर रही हूँ। आप लोग विक्टिम बन गए हैं किसी थर्ड सिचुएशन का, किसी थर्ड पार्टी का आप लोग विक्टिम बन गए हैं, किसी थर्ड सिचुएशन का आप लोग विक्टिम बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो भी, आपके पर्सन भी बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे लगती है आपके पर्सन की। देयर लाइफ इज नॉट कलरफुल एट ऑल। मुझे नहीं पता कि ये क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो कितने खुश हैं एंड ऑल दैट, बट इट लुक्स दैट दे आर वेरी सैड डीप इनसाइड। यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति का शिकार बने हैं आप लोग, और ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। इनका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, करंट अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है वो हो सकता है, फैमिली डायनामिक्स ऐसे हो सकते हैं, या करियर की कोई सिचुएशन ऐसी है, फैमिली की कोई सिचुएशन ऐसी है, बट देयर इज समथिंग, ओके, जो रीजन बना है आप लोगों के दूरी का, आप लोगों के डिस्टेंस का, एंड दे आर इन पेन। उनके लिए सब कुछ जैसे बेमतलब सा हो गया है। उनकी मनपसंद चीजें, उनका मनपसंद खाना, कहीं जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, सब कुछ जैसे बेरंग सा हो गया है, बेरंग सा, बेमतलब सा। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे वे यह चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति में और आप लोगों की परिस्थिति में, विच मीन्स ओवरऑल इस रिलेशनशिप में,
इस कनेक्शन में और आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आ जाएं। वो चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति बदल जाए, वो चाहते हैं कि आप लोगों के जो कनेक्शन में जो सिचुएशन है, जो आज सिचुएशन है, वो चेंज हो जाए, वो ये चाहते हैं। दे वॉन्ट द चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर रिलेशनशिप, इन देयर कनेक्शन ऑल्सो। दे वॉन्ट द रीबर्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप। दे डोंट वॉन्ट दिस टू एंड लाइक दिस। वो नहीं चाहते कि ये इस रूप से, इस तरह खत्म हो। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन का रीबर्थ हो और चेंजेस आए। उनकी जो परिस्थिति इतनी हार्ट ब्रोकन हो गई है, सिचुएशन उनकी, वो इतना पेन में है और इतना ज़्यादा दुनिया उनको बेरंग लग रही है, तो वो चाहते हैं या वो चाहती हैं कि अब ये सब बदले। इट्स हाई टाइम। बहुत समय हो गया है उन्हें इस तरह से जीते जीते, और शायद आपको भी। दे वॉन्ट द चेंज इन द सिचुएशन। Yes, they want the rebirth of this connection. They want everything to start again. ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता एक फिर से शुरुआत हो, उसकी न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो। Yes. और मुझे यहाँ इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, क्योंकि एंडिंग्स और बिगिनिंग्स चलती रहेंगी। ओके, अलग अलग फेजेस एंड होंगे, न्यू फेजेस स्टार्ट होंगे। इट इज द साइकिल एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द चेंज कि कब एक नया फेज शुरू होगा और कब इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा। दे वॉन्ट दिस रीबर्थ वेरी डेस्परेटली। दे आर वेटिंग फॉर इट। दे आर वेरी डेस्परेट, दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं कैसे भी। सारी परिस्थिति को, सारे चैलेंजेस को, सारे हर्डल्स को तोड़ के, ब्रेक करके और सब कुछ क्रॉस करके, यू नो, आप उनके पास आ जाएं। If they are unable to come to you, they want you to come to them. अगर वो आपके पास आने में असक्षम हैं अभी, तो वो इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं कि आप उनके पास चले आएं। This chariot card is not for them. This is for you viewers. They want you to come towards them. I don't know what the situation is exactly because ये personal reading नहीं है, but still I can say they want you to come towards them. यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस भी नजर आते हैं। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंसेस हैं, दैट कैन बी अ इशू फॉर सम पीपल। और हो सकता है कि आप लोगों में स्टेटस का भी डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस का, या हो सकता है आप लोगों का कास्ट अलग है, या रिलीजन अलग है, बिलीव्स अलग अलग हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि डिफरेंसेस बहुत हैं, और वही डिफरेंसेस सबके लिए चैलेंज हैं। आपके लिए भी शायद हो सकते हैं और आपके पर्सन के लिए भी हैं। अगर आपके लिए नहीं है तो इनके लिए तो हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आप लोगों को आप लोगों के बीच दूरी क्रिएट करते हैं। यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों के बीच गैप क्रिएट करते हैं, दूरी क्रिएट करते हैं। बट समवेयर अब वो आपसे यही चाहते हैं कि आप सभी डिफरेंसेस को भुला दें, इग्नोर करें, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको अवॉइड करें, उनको ब्रेक करें और आप उनके पास आ जाएं। बस आप कुछ भी कह लीजिए, इमोशंस में, प्यार में, ये इनकी कल्पना है, ये इनके डिज़ायर्स हैं, ये इनकी विश है, ये सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक आइडिया है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा आश। ओके, यू नेवर नो। तो ये चाहते हैं कि आप इनके पास बस पैशनेटली दौड़ते हुए इनके पास आ जाएं, बस विथ फुल पावर, विथ फुल कॉन्फिडेंस, और सभी डिफरेंसेस को साइडलाइन करके वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाए।
दिस इज वॉट दे वॉन्ट, नॉट ओनली फ्रॉम यू बट फ्रॉम देमसेल्व्स ऑल्सो. दे एक्सपेक्ट सम थिंग्स फ्रॉम यू बट फ्रॉम देमसेल्व्स ऑल्सो. खुद से भी वो काफी कुछ उम्मीद रखते हैं. यस, आई कैन सी समवन कमिंग इन द इवनिंग. आई डोंट नो हुज दिस पर्सन, शी इज, इफ दे आर मेल और फीमेल आई डोंट नो, बट समवन इज कमिंग इन द इवनिंग. यू कैन गेट अ फोन कॉल, यू कैन गेट अ फोन कॉल, ओके, इन द इवनिंग. शाम के समय, संध्या के समय आप फोन कॉल आपको मिल सकता है उनसे. नॉट फॉर एवरी वन ऑफकोर्स. एंड कोई मैसेज मिल सकता है, या कोई शाम के समय आपको मिलने आ सकता है, या अकस्मात अचानक किसी से शाम के समय मुलाकात हो सकती है. बट देर इज समथिंग हैपनिंग इन द इवनिंग. मुझे लगता है आप या आपके पर्सन शायद आप हो सकते हैं. अगर आप ये होंगे तो आप रिलेट करेंगे, नहीं तो आपके पर्सन हो सकते हैं. मुझे लगता है कोई बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है. और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बंद है किसी कमरे में, किसी डिब्बे में, इसीलिए क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है. मुझे लग रहा है कि अंदर से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं आप, कि आप कितनी भी खुली जगह में हैं, कितनी भी कंफर्टेबल स्पेस में हैं, स्टिल यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. यू अंडरस्टैंड? तो जैसे ये जो घुटन महसूस हो रही है, ये इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आप कहीं बंद हैं, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि अंदर से आपको घुटन महसूस हो रही है. अंदर से आपका जो मन है वो बहुत घबरा रहा है, ये वो घुटन है. और आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है. ओके, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ, आप में से एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको बहुत घुटन महसूस होती है. इवन इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा, आसपास की जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा पैक्ड भी नहीं है, बट स्टिल यू फील कि मुझे खुले में जाना है, मुझे खुली हवा में जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे खुले आसमान में जाना है. यू नो, यू फील लाइक दिस. और जब आप बाहर बैठे भी हों तब भी वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगना या घुटन महसूस होना बंद नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से है. आप अंदर से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट द सराउंडिंग्स. It is not about the surroundings anymore. जब इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है वो है ये. अंदर ही अंदर घुटने की बात से मुझे ये मून का कार्ड बहुत रिलेट करता है इसी बात से, क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ये बहुत सारे हिडन इमोशंस को दिखाता है, हिडन सिचुएशंस को भी. तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है. And they somehow they believe magically or miraculously they want you to understand it. कि हमसे नहीं कहा जाएगा, हम नहीं कह सकते, अगर आपसे हो सके तो आप हमारी आंखें पढ़ लीजिए, something like that. I know that I am being very filmy and I am being very, you know, what should I say? I need the right word for that. I am being very poetic. Yeah, I'm being very poetic, I'm being very filmy, I'm being very not so realistic, but still I would say that they have this type of emotion for you. They have this type of feeling for you. इनके मन में ऐसा ही कुछ बात है कि हमसे नहीं कहा जाएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो हमारी आंखें पढ़ लीजिए. Which means कि बहुत कुछ hidden है, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे बिन बोले समझ जाएं. बिन बोले समझ जाएं. तो ये जो मून का कार्ड है ये इमोशंस भी बता रहा है, लाइक दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल एंड दे, और उनकी जो काफ़ी इमोशंस हैं आपके लिए, या जो भी उनके डिज़ायर्स भी हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, एवरीथिंग इज हिडन एंड द पेन इन देयर आइज इज कॉन्स्टेंट, इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. They want you to understand this. वो नहीं चाहते कि आपको कोई समाचार मिले, वो चाहते हैं कि आप खुद समझ जाएं.
तो मैंने वही कहा, मैजिकली और मिराक्युलसली दे वॉन्ट समथिंग टू हैपन। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो, कुछ ऐसा मिरेकल हो कि आपको सब समझ में आए बिना इनके कुछ कहे। मे बी दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू लाइक दिस। आई थिंक यू आर समवन हु नीड्स क्लैरिफिकेशन, यू आर समवन हु नीड्स कन्फेशन, यू आर समवन हु नीड्स आंसर्स। आप वो हैं नहीं शायद जो समझ पाए ऐसे। मे बी यू आर और यू आर नॉट, मे बी यू आर, क्योंकि अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन देर इज समथिंग दैट यू कैन डू, देन देर इज समथिंग दैट यू कैन डू। या राइट, कुछ है ऐसा जो आप कर सकते हैं, शायद आप समझ सकते हैं, शायद ये प्यार उतना गहरा है कि आप वो समझ पाएंगे, तो शायद इसीलिए वो आपसे ये सब एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि जो दिल में छुपा है, जो हिडन है, लेकिन वो आपके लिए कभी हिडन नहीं है क्योंकि आप उसे जब चाहें पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन एक अपने ही जोन में चले गए हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे, एक आइसोलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो वी डू नॉट हैव द कार्ड ऑफ आइसोलेशन एज स्पेसिफिक, हमारे पास कोई आइसोलेशन का स्पेसिफिक कार्ड नहीं है, बट स्टिल द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कार्ड्स मेक मी फील लाइक कि वो आइसोलेशन में चले गए हैं, बिकॉज वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स विद मून एंड विद थ्री ऑफ सोर्ड्स, इट लुक्स लाइक, एंड दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स हैज नो कलर अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रेकिंग हार्ट। तो इसमें ऐसा लगता है कोई रंग नहीं है, सब कुछ बहुत टूटा हुआ है, और जो भी टूटा हुआ है वो छुपा हुआ है। ओके, और वो सिर्फ चुपचाप सोच रहे हैं। मुझे लगता है या तो वो ओवर स्लीपिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ डिप्रेशन और द साइन ऑफ दैट समवन इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, कि वो ओवर स्लीपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, या उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, वो चुपचाप सिर्फ लेटे रहते हैं या बस आंखें बंद करके कुछ सोचते रहते हैं। दिस इज देयर सिचुएशन, दिस इज देयर कंडीशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे ख्वाब हैं जो मैंने आपको एक एक करके बताई, ये जो इन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपनी इच्छाएं रखी हैं, ये सब ये धीरे धीरे अपने दिमाग में चुपचाप लेटे लेटे ख्याली पुलाव तो नहीं कह सकती, बट ऐसे ख्याल, ऐसी कल्पना करते जा रहे हैं, ऐसा विचार करते जा रहे हैं, जैसे जल्दी शुरुआत हो, इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, जैसे आप उनके पास दौड़ कर आ जाएं, सभी चैलेंजेस को, सभी प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके, कैसे भी करके सब ठीक करके आप ही उनके पास आ जाएं। ओके, जैसे उनका दर्द आप उनके बिना कहे ही समझ लें। ये सारी इनकी मन की बातें हैं जो ये चुपचाप एक जगह लेटे लेटे या बैठे बैठे बस सोचते जा रहे हैं। And this is not the good phase. This is not the good zone to be in. ये एक अच्छा phase नहीं है, अच्छा zone नहीं है, क्योंकि ये सभी signs ऐसा कहते हैं that they are going into depression or they are already depressed maybe, but not for everyone of course. ये एक phase हो सकता है सिर्फ। Depression is not something that is a disease or that will be with you till you die. ऐसा नहीं है, but ये एक फेज थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है, दैट कैन चेंज एनी टाइम विद एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग फॉर द चेंज। तभी मैंने आपसे कहा था ये चेंज भी चाहते हैं। तो व्यूअर्स, वो आपसे क्या चाहते हैं या वो सिचुएशन से क्या चाहते हैं, यहाँ पर बस ये कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एंड योर पर्सन जो भी हैं, वो दे आर वेरी सेंसिटिव। इनके बिहेवियर, एक्शंस, लुक्स, इन चीज़ों से अगर आपको लगता होगा नहीं वो तो बहुत रूड हैं, या वो जो फीमेल भी हैं वो तो काफ़ी रूड हैं, काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट व्यूअर्स, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड वो इसीलिए हैं बिकॉज दे आर गार्डिंग द सेंसिटिव हार्ट। जब एक मासूम दिल होगा, एक सेंसिटिव दिल होगा, एक सेंसिटिव हार्ट होगा, तो उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूडनेस चाहिए, एरोगेंस चाहिए, स्ट्रांगनेस चाहिए, ओके, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, एंड यू नो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गार्ड अ प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट और टू गार्ड अ सेंसिटिव हार्ट।
ये सब चीजें चाहिए एक नाजुक से दिल को रक्षण रक्षण देने के लिए. सो दिस इज हाउ दे हैव अ वेरी सेंसिटिव हार्ट एंड इनको बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और वो बातें इनके मन को चुभ जाती हैं, दिल को चुभ जाती हैं और वो उनके मन में ऐसे ही रहती हैं. बुरा बुरा लगता रहता है बट दे विल नॉट से एनीथिंग. मैंने कहा ना ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप समझ जाइए अपने आप खुद समझिए. दे वोंट से एनीथिंग. तो वो अपने अंदर ही रखते हैं लेकिन अगर 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना निकल जाएगा, अगर कोई बात हो रही होगी तो इनके मुंह से निकल आएगा, अच्छा आपने भी तो मुझसे ऐसा बोला था ना कि दिस एंड दैट. और फिर आप कहोगे अरे आपको वो बात अब तक याद है, अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोली थी ये और वो. तो ये बहुत सेंसिटिव हैं, दे गेट हर्ट इजीली. और फिर जब ये हर्ट होते हैं तो फिर ईगो दिखाने लगते हैं, रूड होने लगते हैं और सबको लगता है कि ये अननेसेसरी है, बट दे हैव देयर ओन रीजंस. ओके या तो वो चाह ये सब जो बताया मैंने ये चाहते हैं वो. चलिए मैं देखती हूँ डिवाइन यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं. आपके पर्सन व्यूअर्स एयर साइन हो सकते हैं, आप में से कोई वाटर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है और फायर साइन भी हो सकता है. ओके व्यूअर्स चलिए देखते हैं डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं सिचुएशन में. आस्क योर एंजल्स. अगर आप मिरेकल का वेट कर रहे हैं व्यूअर्स, आप भी किसी चेंज का वेट कर रहे हैं एंड इफ यू बोथ आर वेटिंग फॉर समथिंग, आस्क योर एंजल्स विच मीन्स योर गार्जियन एंजल. एवरी वन हैज देयर गार्जियन एंजल्स. आप अपने गार्जियन एंजल से पूछिए वॉट इज द नेक्स्ट थिंग, वॉट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू, वॉट इज योर पाथ, ओके वेयर यू शुड गो. मुझे लगता है आपको जरूर कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई आंसर मिलेगा. तभी आपसे कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स से पूछिए, आस्क देम. एंड यू आर रेडी, यू आर रेडी. यह मैसेज है कि आप तैयार हैं. आप किस चीज के लिए तैयार हैं मुझे लगता है ये आप बेहतर जानते होंगे, बट यू आर रेडी टू टेक अ एक्शन टू मूव फॉरवर्ड और आई डोंट नो फॉर वॉट बट यू आर रेडी. आप तैयार हैं, सज्ज हैं किसी चीज के लिए एंड डिवाइन इज गाइडिंग यू दिस दैट यू आर रेडी. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. नॉट द राइट टाइम. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. देखिए व्यूवर्स मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का प्लान ऐसा था कि आप इनको काफ़ी सुनाने वाले हैं भला बुरा, या किसी का ऐसा आइडिया था कि अब रिवेंज लेने का वक्त आ गया है, या किसी के मन में कोई ऐसा नेगेटिव या इविल प्लान या आइडिया आया था, तो वो नहीं करना है आपको. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप सोच रहे थे कि जाकर उनको कन्फ्रंट करना है और उनसे सवाल पूछने हैं, यू नो तेज तर्रार सवाल, मुश्किल सवाल, टफ सवाल, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो उन्हें हिला के रख दें अंदर से, तो व्यूअर्स ये सही समय नहीं है. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दिस, ओके समथिंग विच इज सिमिलर टू दिस, डू नॉट डू दैट. ओके बिकॉज आई नो आपकी भी सिचुएशन पेनफुल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप हर्ट नहीं हैं, बट अगर आप कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं एंड ऑल दैट यू नो, बट डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट द राइट टाइम. ओके एंड इफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज आस्क योर एंजल्स बिकॉज यू आर रेडी फॉर समथिंग. आप किसी चीज के लिए तैयार हैं, हो सकता है आप बदलाव के लिए तैयार हैं क्योंकि ये चेंज है जो आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मे बी आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चेंज. ओके व्यूअर्स यस मैं देखती हूं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट मी सी दैट. ओके कुछ कार्ड्स और लेते हैं. ओके वी हैव 3 कार्ड्स. लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से.
The timing was not right for us. They are not blaming you. They are not blaming themselves. They are blaming the situation, the timing and the destiny. ये कह रहे हैं कि समय ही उस वक्त कुछ ऐसा था. The timing was just not right for us. The timing was not just right for us. Timing ठीक नहीं थी. वो उस वक्त की timing ठीक नहीं थी. वो सब कुछ गलत समय पर हुआ है और वो समय हमारा नहीं था. वो समय ही ऐसा था. ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं. दिस इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू से. और यहाँ डिवाइन ने भी जो गाइड किया है आपको यही किया है. नॉट द राइट टाइम. नॉट द राइट टाइम का मैसेज यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस में भी मिला है और यहाँ पर भी यही मैसेज मिला है. द टाइमिंग वॉज नॉट राइट. सी इज इट क्लियरली विजिबल? आई डोंट नो, मे बी इट इज. द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस. और यहाँ पर ये जो डिवाइन मैसेज है, यू कैन सी दिस कार्ड अगेन. नॉट द राइट टाइम. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. और ये कार्ड कहता है, आई होप यू कैन सी, नो वन कैन रिप्लेस यू. नो वन कैन रिप्लेस यू. कोई आपकी जगह नहीं ले सकता व्यूअर्स. ओके, ये बात आपको वो अश्योरेंस दे रहे हैं इस बात का कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. आप कभी ऐसा सोचेगा मत. प्लीज वेट फॉर मी. प्लीज मेरा इंतजार करिएगा. तो वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें, आप उनका वेट करें. कुछ भी डिसीजन लेकर कंक्लूजन पर पहुंचकर मूव ऑन करने की या किसी और को चूज करने की इच्छा ना रखें अभी, और ऐसा कुछ एक्शन ना लें. बिकॉज वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वेट फॉर मी. आप उनका इंतज़ार करें थोड़ा. सो दिस इज़ इट व्यूअर्स. ये है रीडिंग कि वह आपसे क्या चाहते हैं. वह आपसे चाहते हैं कि आप रुक जाएं. प्लीज़ वेट फॉर देम. तो ये है रीडिंग. आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, हेल्प किया है कि क्या है उनकी मंशा और वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या है उनके इंटेंशंस. और उनकी सिचुएशन भी हमें समझ में आई थोड़ी बहुत. तो अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइब कर लें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके. इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ. तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें. वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है. ओके, तो सावधान रहें, सतर्क रहें. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद. आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. ओके, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स. चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय.